Hello students, good morning. Today I am going to teach you the fluid or vascular connective tissue. Fluid or vascular connective tissue is also known as liquid connective tissue. It is present in the form of liquid or fluid. So it is got the name of fluid connective tissue. As the connective tissue connects one part of the body to other parts, like other connective tissue, fluid connective tissue also connects one body parts to other. For example, fluid connective tissue is of two types. Fluid यानी ये liquid form में रहता है. इसका दो प्रकार है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. पहला जो है वो है आपका ब्लड. पहला फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है आपका ब्लड. ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. एंड द अदर कनेक्टिव टिश्यू इज द लिम्फ. लिम्फ इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. तो ये दो प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है. पहला है ब्लड और दूसरा है लिम्फ. तो जो इसका मैट्रिक्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. ये लिक्विड होता है. ब्लड जो है, जैसा पहला जो वैस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो है ब्लड. ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच कैरीज डिफरेंट सबस्टांसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट. तो ब्लड जो है वो बहुत सारे सबस्टांसेस को बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह कैरी करता है. ब्लड फूड को कैरी करता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है. ब्लड जो है आपको वेस्ट मटेरियल को जो है वो रिमूव करवाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाकर बॉडी से बाहर रिलीज करवाता है. तो ब्लड का बहुत सारा सबस्टांसेस को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने में ये रोल अदा करता है. सो इट इज कॉल्ड अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जो लिक्विड फॉर्म में रहता है. सो ब्लड इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ इट इज ए टाइप ऑफ इट इज ए टाइप ऑफ लिक्विड और फ्लूइड, उसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, द्रव. इट इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इट इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम one part to other parts other parts one part to other parts of the body. तो ये जो ब्लड है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है विच कैरीज द वेरियस सबस्टांसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, कनेक्ट करता है. ब्लड का दो कंपोनेंट है. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. There are two components
ऑफ द ब्लड। ये जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, इसका दो कंपोनेंट होता है या दो पार्ट्स होता है ब्लड में। पहला जो है इसमें आपका वो लिक्विड कंपोनेंट होता है, लिक्विड मेनली तो इसमें लिक्विड ही है, लेकिन कंपोनेंट लिक्विड कंपोनेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट को हम लोग जो है, जिसको लिक्विड कंपोनेंट जो ब्लड का है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा उसको बोलते हैं, प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। और सॉलिड कंपोनेंट्स को हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। तो जो लिक्विड कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, यानी ब्लड का दो कंपोनेंट है, एक को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। इट इज द मेजर कंपोनेंट, मेजर MAJOR, मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच मेक्स अबाउट, विच इज कलरलेस। ये इसमें कलर नहीं होता है, कलरलेस और लाइट, LIGHT, लाइट येलो कलर या हल्का पीला रंग का होता है, येलो कलर, लाइट येलो और स्ट्रॉ कलर का उसको हम लोग बोल सकते हैं। पुआल का रंग देखें तो बहुत हल्का होता है वो, एक तरह से जिसको, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड विच इज कलरलेस और लाइट येलो और स्ट्रॉ कलर का होता है। जो पुआल आप देखते हैं जो गाय भैंस को हम लोग खिलाते हैं, वो हल्का पीला रंग का, येलो कलर का होता है और स्ट्रॉ कलर होता है। इट इज अबाउट, जो ये प्लाज्मा है लिक्विड कंपोनेंट जो है, इट इज द लिक्विड कंपोनेंट, इट इज द लिक्विड पार्ट विच मेक्स अबाउट 55%, 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यानी अगर मान लीजिए कि 100% अगर आपका बॉडी में ब्लड है, तो उसमें 55% जो है, यानी 55% जो है वो आपका प्लाज्मा है, 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यानी जो थोड़ा लार्जर पार्ट है, यानी आधा से अधिक पार्ट जो है वो ब्लड प्लाज्मा का होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है, इसमें जो है आपका लगभग 90% जो है, आपका 90 से 92% जो है उसमें वाटर होता है। उसके बाद जो है आपको 7%, लगभग 6 to 7% जो है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन होता है, कुछ इसमें सॉल्ट्स होता है, उसके बाद कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं 1% में। तो प्लाज्मा में बेसिकली जो है वो वाटर है, इट कंटेन्स वाटर, वाटर जो है आपका लगभग 90% के लगभग है।
कंपोजिशन में, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपका 7 to 8% है, फिर इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स ये 1% के लगभग है, स्टेरॉइड्स एंड हॉर्मोन्स है, ये भी 1% है। ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जो प्रोटीन है इसमें आपका 4 प्रकार का बेसिकली प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन में आपका एल्बुमिन है, इसका जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, उसके बाद ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, उसके बाद इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन, और इसमें एंटीबॉडीज भी होता है, एंटीबॉडीज, नाम सुने होंगे आप लोग, एंटीबॉडी जो बॉडी बनाता है, जो इम्यूनिटी प्रदान करता है कोई भी डिजीज के अगेंस्ट में, हमारा बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज तैयार करता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है बेसिकली, इसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, FIBRINOGEN फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। तो ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है, इसमें वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है। अब प्लाज्मा प्रोटीन में से हम लोग जो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा देते हैं, द प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन जो है वो सीरम कहलाता है, सीरम उसको हम लोग बोलते हैं कि सीरम, ब्लड सीरम, सीरम का नाम सुनते होंगे, SERUM सीरम, यानी प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन है, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को जब हम हटा देते हैं प्लाज्मा में से, जो ये 4 प्रोटीन है उसमें से, तो उसको अलग कर देंगे हम लोग, तो उसको हम लोग सीरम कहेंगे, ब्लड सीरम, यानी प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन, और अगर उसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन रहेगा तो प्लाज्मा कहलाएगा। तो जो लिक्विड कंपोनेंट ब्लड का है वो उसका प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट, और उसमें जो है आपका ब्लड सेल्स जो दूसरा कंपोनेंट्स है, जैसे ये आपका ब्लड है, अब इस ब्लड में लिक्विड पार्ट है, लिक्विड का ये प्लाज्मा है, और इस लिक्विड पार्ट में बड़ा बड़ा और कुछ छोटे आकार का भी और अलग अलग साइज का सेल्स होता है जो उसमें तैरते रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये सॉलिड कंपोनेंट है, जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड सेल्स जो होता है वो दूसरे तरह का जो कंपोनेंट है ब्लड का, वो ब्लड सेल्स है। तो ब्लड सेल्स जो है वो जो ये आप देख रहे हैं कि ये इसमें जो ये लिक्विड पार्ट में जो ये प्लाज्मा है कलरलेस, और इसमें ये बड़ा बड़ा जो सेल्स है वो तैरते रहता है, इसमें फ्लोट करता है, तैरता है, इसको हम लोग ब्लड सेल्स कहते हैं। तो ये सॉलिड पार्ट है, तो ये सॉलिड पार्ट को हम लोग ब्लड सेल्स कहते हैं। इट इज द सॉलिड कंपोनेंट, 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 इट इज द सॉलिड कंपोनेंट, COMPONENT कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, विच इज अबाउट 45%, विच इज अबाउट 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम, 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड,
ये होता है। यानी अगर आपका ब्लड में मान लीजिए कि 100% में ये 45% हिस्सा है, 45% में ये ब्लड सेल्स जो है फ्लोट करते रहता है उस ब्लड के अंदर, उस लिक्विड ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स का जो है तीन प्रकार है। पहला जो है, ये आप नाम सुने होंगे और इसको ध्यान से आप लोग समझ लेंगे। पहला जो ब्लड सेल्स होता है, जो इसमें लिक्विड फ्लोट करते रहता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और जिसके कारण पूरे ब्लड का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, उसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स भी उसको बोलते हैं, कॉर्पसल्स। ये इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी कंटेंट अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन, द कलर ऑफ आवर ब्लड इज रेड। तो ये सेल्स में जो लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है इस आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में, जिसके कारण पूरा ब्लड जो होता है आपका, वो होल कंपोनेंट हमको रेड दिखता है। तो जब बॉडी से हमारा ब्लड निकलता है तो वो लाल रंग का निकलता है, वो रेड कलर का निकलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इरिथ्रोसाइट्स भी इसका नाम है। इरिथ्रोसाइट्स इसको बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स इसका एक और नाम है। और इसके फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोएसिस हम लोग कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा जो तरह का जो ब्लड सेल्स होता है उसको हम लोग WBC कहते हैं। WBC यानी इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ये कलर नहीं इसमें होता है ये, और रेड ब्लड सेल्स थोड़ा छोटा आकार का होता है, और उससे बड़ा आकार का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स इसको हम लोग कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, और इसको शॉर्ट में हम लोग WBC कहते हैं। इसकी संख्या कम है, ये लगभग 6,000 से 10,000 की संख्या में होता है, जबकि 6 से 7 लाख अधिक संख्या में RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, और उसमें हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण पूरा ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो WBC इज ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। इट इज कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े आकार का होता है, बैक्टीरिया और जर्म्स को निगल जाता है, और ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। इसीलिए इसको हम लोग सैनिक बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बॉडी का। जो तीसरे तरह का जो सेल कंपोनेंट होता है, जो 45% में ही बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स भी उसको हम लोग बोलते हैं। ये ब्लड को एक्सेसिव ब्लड जब कटता है तो बाहर आता है, उसके बाद कुछ देर के बाद जम जाता है, तो वो जमने का काम जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं। तो ये दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड के में ये तीन ब्लड सेल्स कंपोनेंट होता है, जो 45% बनाता है, ये ब्लड में रहता है। पहला है आपका रेड ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स यानी आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण उसका कलर पूरे ब्लड का रेड होता है। इसकी संख्या बहुत अधिक होता है और ये छोटा साइज में होता है। ब्लड सेल्स में इसका आकार छोटा छोटा दिखता है, उससे हम लोग पहचान लेते हैं ये अधिक संख्या में है। ये लाखों की संख्या में है और ये लगभग 6 से 7 लाख की संख्या में है। ये जो मेन का ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ा करके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है आरबीसी। दूसरे तरह का जो है वो है व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और तीसरे तरह का जो है वो हमारा प्लेटलेट्स,
और थ्रोम्बोसाइट्स है। तो ये दो कंपोनेंट है ब्लड का, ब्लड और प्लाज्मा जो लिक्विड कंपोनेंट है, और दूसरा जो है वो है ब्लड सेल्स जिसको हम लोग RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये दो कंपोनेंट था ब्लड का, जो मेजर लिक्विड कंपोनेंट है। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो वेरियस सबस्टांसेस को बॉडी में कैरी करता है, जैसे RBC ऑक्सीजन को कैरी करता है ये हीमोग्लोबिन की मदद से, फूड सबस्टांस और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। सो ब्लड इज ए टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच हैज टू कंपोनेंट्स, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।